चेयरमैन साहब, मैं आपकी बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। वही ज़िंदगी, वही मरहले, वही रास्ते, वही कारवां, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। ये जो है, ये हाउस कभी डिसॉल्व होने वाला हाउस नहीं है, और मैं समझती हूँ हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो किसी भी हाउस के मेंबर बनते हैं। इतना बड़ा मैंडेट ले के आते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि पूरे मुल्क से हम लोगों को यहाँ चुना जाता है, और यहाँ हम आते हैं नई नई विचार, नए ख्यालात, नई नस्ल, पुरानी नस्ल। ये हाउस ऑफ एल्डर तो है, लेकिन अब चूँकि ये हिंदुस्तान नौजवान है, इसलिए नौजवानों का भी यहाँ आना स्वाभाविक है, और वो एक अच्छी साइन है कि ये हाउस ऑफ एल्डर कहलाता है, और उसी हिसाब से यहाँ की चर्चाएं होती हैं जो बहुत गौर से लोग सुनते हैं। मुझे ये अल्लाह ने मौका दिया कि मुझे यूपी के असेंबली, सबसे पहले काउंसिल में, फिर असेंबली में, फिर खुदा का शुक्र है लोकसभा में, और अब राज्यसभा ने मुझे, मेरी पार्टी ने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। ये हाउस जो है चेयरमैन साहब, चेयर जो है वो रूल बुक से बंधी हुई है, वो बग़ैर रूल के जाहिर है कि काम हो ही नहीं सकता। लेकिन इस, ये बड़ा पुरवकार हाउस है, ये हो या नीचे का हो, बड़ी बाज़मत जगह है ये, और उस डिग्निटी को, उस अज़मत को, उस वक़ार को कायम रखना हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम मेंबर्स उसका डिग्निटी और उसका वक़ार और उसकी अज़मत के ऊपर आँच ना आने दें। तो हम दोनों मिलके जब तक काम नहीं करेंगे ये हाउस नहीं चल सकता है। दूसरी बात, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं थोड़े में अपने बात तो लंबी कहना चाहती थी, लेकिन थोड़े में कहूँगी कि इस देश की जो विचारधारा है और इस देश की जो एक नक्शा है पूरे देश का, वो देश का है मिजाज अमन, शांति और भाईचारे का। तो वो एक मिजाज है देश का, मतलब वो हम कहीं से लाए नहीं है, सदियों से उसी पे हम चले आ रहे हैं। तो उसकी जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री अध्यक्ष जी एक दिन में नहीं होती है पूरी, जो उस वक्त का हिस्टोरियन होता है वो हिस्ट्री लिखता है, और इस जिसमें महात्मा गांधी का नाम लीजिए या नेल्सन मंडेला का नाम लीजिए, जहाँ तक मुझे ख्याल है उन्होंने अपनी उम्र के 47 इयर्स जेल में गुजारे अपार्टाइड से लड़ने में, या आप मार्टिन किंग लूथर का नाम लीजिए, या आप यासिर अरफात का नाम लीजिए, तो अपना वतन, अपनी वतन की आज़ादी बहुत बड़ी चीज़। हम ये कहते हैं कि स्वर्ण अक्षर में हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, या हम कहते हैं कि उर्दू में सुनहरी औराक होते हैं किसी हिस्ट्री का एक हिस्सा। कभी हमने ये सोचा है कि वो जो दो चार पन्ने आते हैं हिस्ट्री के हमारे स्वर्ण अक्षर में या सुनहरी, यार उसके पीछे इतिहास क्या है, उसके पीछे कुर्बानी कितनी है, उसके पीछे बलिदान कितना है, उसके पीछे याचनाएं कितनी है, जब कहीं जाके किसी देश की किस्मत में वो स्वर्ण अक्षर कहिए या सुनहरी अरफाक, ये उसकी हिस्ट्री का एक हिस्सा बनते हैं। और जो वो जद्दोजहद शुरू होती है, उनके नाम आप सफ़ाए हस्ती से या दुनिया की तारीख से मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपनी उस हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी की विचारधारा, जो हम लोग आज तक, और उस विचारधारा पे उन्होंने सल्तनत बरतानिया, जो सबसे बड़ी सल्तनत समझी जाती थी, उससे लोहा लिया था गरीब हिंदुस्तानियों ने। क्यों? कि हम वतन पे मरने और मिटने की, ये हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम दुनिया, हम अपने वतन के लिए मर, भूखे नंगे और ना तालीम हमारे पास नहीं है, लेकिन अपने वतन पे मरने की हिम्मत और हौसला रखते हैं, और हमने अंग्रेज़ों से लोहा लेके दिखाया। थैंक यू। और वो हमारे संस्कार अभी तक चले आ रहे हैं। तो जो हिस्ट्री शुरू, जो जद्दोजहद में सबसे पहले होता है, नेल्सन मंडेला के साथ बहुत लोग काम करते होंगे, नाम उनका है, यासिर अरफात का है, या और लोगों का है, तो महात्मा गांधी भी उसी श्रेणी में, नेहरू भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री को भुला देंगे, मैं दो मिनट मैं आपके और लेना चाहती हूँ, बस दो मिनट। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें भुलाना नहीं चाहिए। नॉन वायलेंस की बात मैं कह रही थी, जो हमारी
थी उस नॉन वायलेंस में, मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ कि अपने हमने दुनिया को सबक सिखाया कि नॉन वायलेंस नहीं है, नॉन वायलेंस पे हमने इतनी बड़ी लड़ाई जीती उसी को हथियार बना के अदम तशद्दुद वायलेंस के ख़िलाफ़। तो वो जो है उसमें मैं नाम लेना चाहती हूँ आज के अपने लीडरों को कि उस परंपरा को उन्होंने कैसे कायम रखा। यूएन असेंबली में भारत की तरफ से जून 2007 में जहाँ तक मुझे ख्याल है एक प्रस्ताव पास हुआ कि नॉन वायलेंस जो है पूरी दुनिया में होना चाहिए, और उसको 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की बर्थडे पे जब वो उसको मार्क करने का दिन आया तो श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी वहाँ थे और वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। और आज ये है कि पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस डे मनाया जा रहा है। तो वो जो कांग्रेस की विचारधारा है वो चलती। मैं एक सलाह अपने बात सामने बैठे लोगों को देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में मैं सबसे ज़्यादा उम्र में बड़ी हूँ, आपकी ज़्यादा तजुर्बे भी होंगे, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से, और ये मत सोचिए कि मैं एक कांग्रेसी की हैसियत से दे रही हूँ, कांग्रेसी तो मैं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत से आपको एक देना चाहती हूँ, एक सलाह देना चाहती हूँ। इस देश का मिजाज अमन शांति और भाईचारे का है। आज जो पूरे मुल्क में फिजा आ रही है ये आपकी अनेकता में एकता ही सबसे बड़ी ताकत है इस देश की। ऐसा देश आपको दुनिया के कोने में कहीं नहीं मिलेगा जो हमारा देश है। हम किस चीज़ पे गर्व करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ये फख्र के साथ हम कहना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अनेकता में एकता को कायम रखने रहिए, और जो भाईचारा है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सदियों से हम एक दूसरे के साथ रहने आ रहे हैं, खुदा के लिए उसको आप मेरी सलाह मान लीजिए। देश के माहौल को मत बिगड़ने दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। गांव में एक एक घर में लड़ाइयाँ होंगी। मेरी ये आपको राय है कि अगर महात्मा गांधी की तस्वीर पे आप फूल चढ़ाते हैं तो उनकी विचारधारा की सबसे बड़ी नॉन वायलेंस को आप मानिए। और मैं आखिर में अध्यक्ष जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने तमाम साथियों का, ख़ासतौर से अपने जो हमारे सेक्रेटेरिएट के लोग हैं, आपके ज़रिए मैं करना चाहती हूँ। बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहसिना जी।